स्पिरिचुअल कॉमर्स गुरुजी पर, और जो आपका रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर चल रहा है उसमें हमने पिछले वीडियोस में जब मैंने लाइव पढ़ाया था तो क्वेश्चन नंबर 47 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 48 से। जरा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बैलेंस शीट दे रखी है, तीन पार्टनर है, जी के डब्लू, 31 मार्च 2015, रेशियो था 3:1। ठीक है, ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। जरा एडजस्टमेंट पे आते हैं। सबसे पहला फर्म की गुडविल पार्टनर्स कैपिटल का हिस्सा है, तब देखेंगे। एसेट्स हमारी कुछ रिवैल्यू हुई है, स्टॉक 10,000 का हो गया, पहले था स्टॉक 12,500 का, यानी कि 2,500 से कम हो गया, 2 में आएगा। सैंडी डेटर्स 11,500 के हैं, ऊपर कितने थे 12,000 के, यानी कि 500 का प्रोविजन। लैंड एंड बिल्डिंग 18,000 के, पहले थे 15,000 के, 3,000 के बढ़ गए तो बाई साइड में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी 16,500, पहले था 18,000, यानी कि 1,500 से कम हो गया, 2 में आएगा। सैंडरी क्रेडिटर्स 9,200, पहले था 10,000, यानी कि 800 रुपये हमारे कहाँ आएंगे, लाइबिलिटी कम हो गई, बाई साइड में आएंगे। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 500 टू बी ब्रॉट अंडर बुक, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 2 साइड में आएगी 500 रुपये। और कुछ तो दे नहीं रखा रिवैल्यूएशन का, तो ये तो हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जरा मैं इसे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 का रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 48 रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता है बेटा, पापा वाला फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट पापा फॉर्मेट से हम बोलते हैं। अब हम जरा देखते हैं, सबसे पहले मैंने अभी समझा दिया था स्टॉक, टू स्टॉक कितना कम हुआ स्टॉक बेटा आपका 2,500। सैंडी डेटर्स में प्रोविजन आ गए 500 रुपए के। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 3,000 रुपए से बढ़ गई 3,000 रुपए। प्लांट एंड मशीनरी 16,500, यानी कि 1,500 से कम हो गई प्लांट एंड मशीनरी। सैंडी कैटर्स आपके 9,200 के हो गए, पहले थे 10,000 के, 800 रुपए से कम हो गए बाय सैंडी कैटर्स 800 रुपए। और आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है वर्कमैन कंपनसेशन 500 रुपए। अब जरा मैं टोटल कर लेता हूँ बेटा आपका, देखो 2,500, 3,000, 4,500 और 5,000 तो इधर का आएगा। 5,000 में से 3,800 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 1,200, यानी कि 1,200 का क्या है आपका लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बेटा, कितना है 1,200। पार्टनर है जी के डब्लू, 1,200 को 3:1 में आप बांटोगे तो बेटा आपका पहला शेयर आएगा 600 रुपये जी का, 400 रुपये के का और 200 रुपये डब्ल्यू का। अब हम आंसर चेक करते हैं, लॉस एंड रिवैल्यूएशन 1,200 रुपये। अब हम बेटा बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर के हिसाब से बना लूंगा, जी के डब्ल्यू, जी के डब्ल्यू, यहाँ पर्टिकुलर डेबिट साइड जी के डब्ल्यू, पर्टिकुलर्स जी के डब्ल्यू क्रेडिट साइड। सबसे पहले क्या आता है बेटा, पुरानी कैपिटल डाल दो सर जी। अब तो हमें अच्छे से समझ आ गया, पुरानी कैपिटल कितनी है 22,000, 13,000 और 9,000, 22,000, 13,000 और 9,000। उसके बाद सर जी रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ था वो डाल दो आप। मैंने कहा ओके बच्चों, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 600, 400, 200। ठीक, उसके बाद रिजर्व दे रखा है बेटा 12,000 रुपये का, रिजर्व बटेगा रेशियो 3:1 में तो कितना आएगा आपका 6,000, 4,000, 2,000। और कुछ तो दे नहीं रखा, पुरानी गुडविल दे रखी है 7,500 बटेगी गुडविल एग्जिस्टिंग 7,500 इंटू 3 डिवाइड बाई 6, 3,750 जी की,
उसके बाद 2500 के की और 1250 डब में। और कुछ तो नहीं दिख रहा सर, और कुछ तो नहीं दिख रहा सर। गुडविल दे रखी है फर्म की 15000। बेटा 15000 फर्म की गुडविल है। रिटायर हुआ है जी और जी का शेयर था 3/6। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 7500। रेशियो था 3:1। ये रिटायर हो गया तो रेशियो क्या रहेगा, 2:1, यानी 7500 × 2/3 करूँगा तो के का आएगा 5000 और डब्ल्यू का कितना बचा 2500। लेकिन आपको मालूम है अमाउंट कैसे आएगा, यहाँ आएगा बाय केज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट जी में 5000, बाय डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट, जी में अमाउंट 2500। ऐसे ही यहाँ करेंगे जी के नाम से, 2G's कैपिटल अकाउंट 5000 के में और 2500 डब्ल्यू में। अब जरा मैं सबसे पहले, हाँ क्वेश्चन में एक चीज़ और कह रहा है 13150 जी को पेड करें, तो यहाँ टू बैंक 13150। अब जरा मैं बैलेंस करता हूँ, सबसे पहले कौन रिटायर हो रहा है जी, तो जी इसका लोन अकाउंट देखो, यहाँ 22000 प्लस 6000 प्लस 5000 प्लस 2500, 35500 माइनस 600 माइनस 3750 माइनस 13150, जी का लोन आएगा 18000। जरा मैं चेक कर लूँ लोन अकाउंट कितना आ रहा है, 18000। सही है बिल्कुल, तो जी का लोन कितना है 18000। अब इनका मैं बैलेंस करता हूँ तो टू बैलेंस सीडी, के और डब्ल्यू का मैं बैलेंस करूँगा। के का इधर तो 17000 है, 17000 माइनस 400 माइनस 2500 और माइनस 5000, इसका तो आया 9100 के का। डब्ल्यू का मैं करता हूँ तो 9000 प्लस 2000, 11000 में से 200 माइनस 1250 माइनस 2500, ये आएगा 7050। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैपिटल फिक्स कर दी गई 35000 और रेशियो क्या है 4:3। अब हम जरा क्या करेंगे इसमें आगे की जानी, देखिए बेटा ये तो आपका बैलेंस हो गया। अब आपको मालूम है हम एक चीज़ और करते हैं एडजस्टमेंट में, अब इस बैलेंस को यहाँ डालेंगे पहले हम बाई बैलेंस, कितना था के का 9100, डब्ल्यू का कितना था 7050। क्वेश्चन में कह रहा है गुडविल फिक्स कर दी गई है 35000 की और रेशियो है 4:3, तो जब 35000 का 4:3 करोगे तो आपका 20000 आएगा जी के का और 15000 आएगा डब्ल्यू का। ये अमाउंट जाएगा यहाँ टू बैलेंस, 20000 के का और 15000 डब्ल्यू का। अब जरा देखिए दोनों ही अमाउंट कम है, दोनों ही पार्टनर पैसा लाएंगे, 20000 में से 9100 माइनस करूँगा तो 10900 तो लाएगा के और 15000 में से 7050 माइनस करूँगा तो 7950 लाएगा डब्ल्यू। आंसर देख लेते हैं ज़रा, 7950 डब्ल्यू लाएगा, 10900 के लाएगा, कैपिटल 20015000। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल वेरी गुड। क्वेश्चन में अब जरा हम बैलेंस शीट देख लेते हैं, बैलेंस शीट के साथ साथ हाँ बेटा ये और देख लो, 13150 से दे दिया, अब 18000 रुपये द बैलेंस ड्यू टू हिम वाज टू पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एनुअली। इसको समझ लो बेटा, जी का लोन अकाउंट पहले, जीज लोन अकाउंट कितना अमाउंट देना है बेटा, 18000 रुपये देना है सर। 18000 की तीन किस्तें 6000 की बनेंगी, 18000 का 12% पहली किस्त बनेगी 8160 की, 6000 वो और 2160 ब्याज के। अब कितने बचे, 12000 रुपये बचे, 12000 रुपये का 12% 14400 यानी कि 6000 प्लस 14400 यानी कि 7440 रुपये दूसरी किस्त बनेगी।
अब कितने बचे? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये का 12% बेटा 720 रुपये, तो 6,720 तीसरी किस्त। ये तो लोन अकाउंट हो गया आपका। अब जरा बेटा हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। ये तो मालूम है आपको लाइबिलिटीज, यहां लिख लेता हूं लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहले क्या था, कैपिटल डाल देता हूं मैं, जो नए अब पार्टनर बचे हैं, जो वो बचे हैं आपके के और डब्लू। के का 20,000, डब्लू का 15,000, दोनों का जोड़ के 35,000। सैंड्री क्रेडिटर्स हो गए आपके 9,200 रुपये के। लोन था आपका जीज लोन अकाउंट 18,000 रुपये। उसके बाद सैंडिकेट बीपी था आपका बिल्स पेबल 4,000 रुपये। 500 रुपये का वर्कमैन कंपनसेशन था आपका, क्लेम था, और आपका कुछ नहीं था। मैं एसेट साइड की बात करूं, सबसे पहले कैश, कैश में क्या है बेटा, 10,900 तो जी लाएगा, 7,050 कितना था, 7,950 डब्लू लाएगा, और 13,150 उसमें क्या करा, पेड कर दिया हमने, जो पार्टनर रिटायर हुआ है वो। तो 10,900 प्लस 7,950 माइनस 13,150, ये आएगा कैश का आपका 5,700। तो कैश का बैलेंस देख लेते हैं हम 5,700। ठीक, अब बैलेंस शीट में आगे बढ़ते हैं। गुडविल हमने बांट दी थी, स्टॉक आपका 10,000 का हो गया था, सैंडी डेटर्स हो गए थे आपके 11,500 के, सैंडी डेटर्स आपके 12,000 लेस प्रोविजन 500, टोटल हो गया 11,500। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग आपका हो गया था ये 18,000 का। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आपकी 16,500। मोटर व्हीकल में कोई चेंज नहीं हुआ। अब बेटा आप जब इन दोनों साइड का टोटल कर लोगे तो इन दोनों साइड का टोटल आपका 66,700 आएगा, और आंसर हमारा बिल्कुल सही है। यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 48 का रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, लोन अकाउंट, बैलेंस शीट, ये चारों चीज कर ली। ये हो गए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49A। तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, रेशियो 1:2, 1:3, 1:6 आपको बैलेंस शीट दे रखी है। पीछे आपका ये दे रखा है, अब देखिए एक्स रिटायर हो रहा है, ठीक है, फर्म की जितनी भी रिवैल्यूएशन हुई है एसेट्स की वो दे रखी है। स्टॉक है 20,000 का और पहले था 22,300, यानी कि 2,300 रुपये घट गया, 2 में आएगा। फर्नीचर 3,000 का हो गया, पहले था 3,500 का, तो 500 रुपये 2 में आएगा। मशीनरी 9,000 की हो गई, पहले थी 9,750 की, तो 750 रुपये 2 में। बिल्डिंग 20,000 की हो गई, पहले 24,000 की थी, 2 में 4,000 रुपये, 850 का प्रोविजन। और कुछ रिवॉल्यूशन का नहीं दे रखा, तो चलिए मैं बिना रुके चालू करता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 49A का रिवैल्यूएशन का। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 49A, सबसे पहले इसमें हमें क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है बेटा। यानी कि पापा वाला फॉर्मेट बनाना है सर इसमें, तो पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, स्टॉक था शायद, नहीं देख लेते हैं। स्टॉक 20,000 का हो गया, पहले था 22,300 का, यानी कि 2,300 रुपये, तो 2 में स्टॉक 2,300 रुपये। फर्नीचर 500 रुपये से कम हो गया। उसके बाद मशीनरी हमारी 9,750 से कम हो गई, सॉरी 750 से। बिल्डिंग हमारी 4,000 रुपये से कम हो गई, और आपकी प्रोविजन बनाने हैं 850 की, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो इसी को जोड़ता हूं मैं, 2300
प्लस 500 प्लस 750 प्लस 4000 प्लस 850, 8400 का आपका लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आ रहा है बेटा, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 8400। कितने पार्टनर थे? तीन है, एक्स सॉरी वाई और जेड। 1/2x का है तो 4200, उसके बाद 1/3 और 1/6। 1/3 यानी कि 2800 और 1/6 यानी कि 1400। ये तो हो गया हमारा रिवैल्यूएशन, 8400 आ रहा है बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 8400 आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये सही है। अब क्वेश्चन में आपको x का लोन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है, x का ही सिर्फ। तो पहले हम x कैपिटल अकाउंट यहाँ दिखा देते हैं, एक ही पार्टनर का बनाना है तो ये रिवॉल्यूशन जैसा ही कुछ फॉर्मेट बना लूंगा मैं, ठीक है ना, पर्टिकुलर अमाउंट। ये DR साइड, ये आपका CR साइड। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, पुरानी कैपिटल डाल दो सर 40,000 रुपए की। उसके बाद हमें रिजर्व फंड दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, ये बांटेंगे। रिजर्व फंड दे रखा है बेटा 1500 का, यानी कि 750 रुपये उसके। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस 3000 का, यानी कि 1500 रुपये इसके। उसके बाद और तो कुछ दे नहीं रखा है इधर, नहीं दे रखा सर। फर्म की गुडविल थी 6000, यानी कि इनकी गुडविल कितनी आएगी, इनकी गुडविल आएगी 3000। कैसे आएगी? एक्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी वाइस कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। ये 3000 कैसे आएगी बेटा? 3000 दोनों का आप जब गेनिंग रेशियो करोगे तो दोनों का जोड़ 3000 होगा, इसलिए मैंने टोटल डाल दिया यहाँ पे 3000। इधर आपको लॉस हुआ था रिवैल्यूएशन में, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना था? 4200 रुपये। और क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने कुछ पैसा पेड भी किया है, कितना किया है बेटा? 11050 रुपये। अब जरा मैं लोन अकाउंट निकालता हूँ, यहाँ 40,000 प्लस 750 प्लस 1500 प्लस 3000 माइनस 4200 माइनस 11150, ये आएगा 30,000 लोन, 2x लोन कितना आएगा? 30,000। जरा मैं आंसर देखता हूँ, लोन कितना आ रहा है? 30,000 आ रहा है सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब इसका क्या करना है? पेमेंट करना है। 30,000 को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? 10,000 रुपये विद 5% इंटरेस्ट। तो पहले 30,000 का 5% 1500, यानी कि पहली किस्त कितने की जाएगी? पहली किस्त जाएगी 11500 की। दूसरी किस्त 20,000 का 5% 1000, यानी कि दूसरी किस्त जाएगी 11000 रुपये की। उसके बाद तीसरी जाएगी 10,500, ठीक है ना। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 48 हो गया पूरा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, लोन अकाउंट, बैलेंस शीट। 49AB हो गया हमारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, ठीक है ना। अगली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 49B से, ठीक है ना बेटा। जो लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं उनको मैंने बेनिफिट्स के लिए कम्युनिटी में डाल रखा है कि मेंबरशिप लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फिर भी अगर आप पेड मेंबरशिप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैं व्हाट्सअप कर दें, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। बाकी अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।